अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सईदा। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी गोश्त। हम जो अचारी गोश्त बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और डिफरेंट तरीके से बनेगी। सबसे पहले हमें चाहिए दुम्बे का गोश्त, ये 1 किलो है। इसके बाद हमें चाहिए 1 कप योगर्ट। हमारे पास ये कुछ मसाले हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कसूरी मेथी, इसके बाद चाट मसाला, बाद हमें चाहिए धनिया पाउडर, के बाद हमें चाहिए रेड चिल्ली पाउडर, नमक हसब ज़रूरत, कलवंजी पाउडर और रेड चिल्ली फ्लेक्स। हमें चाहिए गार्लिक और जिंजर, ये हमने पेस्ट करके रखा हुआ है। अचार तकरीबन 1 टेबलस्पून है और कुछ चिलीज। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए 4 टमाटर पिसे हुए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बर्तन में 4 से 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को हम इतना पकने देंगे कि इसमें पिंकिश कलर आ जाए, इसका ये जो कलर है ये थोड़ा चेंज हो जाए। 5 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। हमने जो मसाले तैयार किए थे अब हम इसमें वो शामिल करेंगे। आप मसालों को अपने तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद है आप मसालों को ज़्यादा कर दें, और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे कम कर दें। अब हम इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। पांच मिनट बाद हम इसमें अचार शामिल करेंगे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। आहिस्ता इसका रंग आना शुरू हो गया। हमारी रेसिपीज बहुत ही सिंपल होती हैं। जिन्हें कुकिंग सीखने में मुश्किल हो रही है वो हमारी कुकिंग देखकर सीख सकते हैं। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। कुछ देर बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा है। इससे अचार गोश्त की ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनती है। आप चाहें तो साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ग्रेवी थिक बनती है। एक घंटा हो गया और गोश्त भी बिल्कुल रेडी है। ऑयल ऊपर आ जाए तो आप देख लेंगे कि रेडी हो चुका होगा। अब हम इसे डिश में निकालेंगे। और ऊपर चिली गार्निश कर देंगे। अब हम इस पे चिली गार्निश कर देंगे।
और हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है, हमारा अचार गोश्त रेडी है। आई होप आपको पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।